दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट। न्यूज़ पैकेट में आपका स्वागत है। और ये तमाम लोग यहाँ पे जिला मुख्यालय पे आए हैं राशन को लेकर और आवास को लेकर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का सपना है कि सभी गरीब लोगों को आवास मिले और सस्ता राशन मिले, लेकिन क्या कुछ मजबूरी है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि क्यों इनको राशन नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से आवास की बात कही जा रही है, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो जिसको घर नहीं था, जिसको छत नहीं था, वो भाजपा सरकार उसको आवास दे रही है। तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ जिस तरीके से यहाँ पे हुआ। ये बताइए, किससे मिलने आई थी, क्या मामला है, क्या नाम है आपका, पार्वती। क्या करने आई थी यहाँ पे आप? डीएम के नाम ले लिए जो ये आवास के बारे में, हमारा आवास कट गया है। अच्छा, आवास कट गया है। क्या नाम है आपके प्रधान का? विकास। विकास, तो विकास जी क्या कहते हैं? विकास कहना की तुहार है या ना कट गल हो। हाँ। दो साल तीन साल से भर के हमने जो है थैला। क्या कहेंगे, आपको आवास मिला है? नहीं सर, हम लोग भरे हैं, हम लोग का कट गया है। हाँ। बोले कि आएगा दो चार पाँच महीने से, साल से हो गया, हम लोग का आवास नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, कट जा रहा है। हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं, ये बताइए कि क्या मामला है, क्यों, क्या करने आए थे आप लोग? हम लोग तो भाई देखिए आए, यहाँ पर आए हैं कि आवास नहीं मिल रहा है। हाँ। न लाइटिंग मिल रही है, न राशन कार्ड बना है, न लाइटिंग नहीं मिला है। नहीं, अरे योगी जी के तो पूरा फरमान लग गया है कि पूरे सबको ओडीएफ हो गया है। हाँ। सबको शौचालय कुछ नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, न राशन, भाजपा सरकार में शौचालय नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। शौचालय करने कहाँ जाते हैं? अब हम लोग खेत में जाते हैं और कहाँ जाएंगे? देखिए भैया, ये सच्चाई बता रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में शौचालय की बात कही गई और इनको अभी शौचालय नहीं मिला, नहीं मिला। अभी शौचालय नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, और भी लोग ये बताइए कि सरकार शौचालय नहीं दिया आप लोगों को? नहीं, शौचालय तो दिया है, मगर किसी किसी को दिया, किसी किसी को नहीं दिया। प्रधान बनवाए, किसी को किसी को नहीं बनवाए। हाँ, कितना पैसा मिला था आप लोगों को? पैसा पैसा नहीं मिला था, वो बनवाए थे अपने हाथ से। अच्छा, आज यहाँ पे क्या करने आए थे आप लोग? हम लोग तो आए थे यहाँ पर इसीलिए कि जैसे राशन उशन के लिए और आवास आवास जैसे है। हाँ। दिक्कत परेशानी हम लोग का झोपड़ पट्टी है। कब से आप लोग को आवास नहीं मिल रहा है और कब से सस्ता गल्ला का जो राशन नहीं मिल रहा है? वो लॉकडाउन लगा उसके बाद, साल दो साल से बाद से ये लोग लगे तीन पाँच करने राशन को काट देते हैं। हाँ। जैसे हम लोग पाँच पर आने हैं तो हम तीन लोग का कार्ड दिए, दो लोग का दिए दे रहे हैं। ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार का दिक्कत होता है, कभी देते हैं कभी वो भी नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं वो दिया चला गया फ्री में, इधर गया उधर गया है बोलते हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं, जिला प्रशासन को या सरकार को? नहीं, वो तो जिला प्रशासन को मानेंगे ना, प्रधान को। क्या कहेंगे भैया? हाँ, आवास आवास सूची में नाम रहा लेकिन कट गया है, मिला नहीं अभी। और क्या करना है यहाँ पे आप लोग? यही आवास आवास के विषय में। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ पे? वही है, आवास नहीं मिल रहा है। आया था कट गया। हाँ। प्रधान बोले कि कट गया, तुम्हारा सूची में नाम नहीं है। हाँ। हाँ। तो अब देखिए, ये चोलापुर ब्लॉक के लोग हैं, कटारी गांव है, और ये सीधा ये बता रहे हैं कि इनको सस्ता गल्ला का जो दुकान से मिलता है वो नहीं मिल रहा है। और बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको आवास नहीं मिला है। ये तमाम यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, अपनी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पे आए हैं, पत्रक भी दिए हैं यहाँ पे। आने वाले वक्त में क्या कुछ इनको आवास मिल पाएगा, जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार ये कह रही है कि सभी को आवास छत पे दिया गया है, लेकिन शौचालय से भी देखिए इस तरीके से भाजपा के गढ़ में शौचालय नहीं मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इस समय। तो आप लोग सब, आपका भी अभी आवास का ही मामला है? हाँ। क्या नहीं मिला है? सोख्ता नहीं बना है। सोख्ता नहीं बना है। अच्छा, आपको? हमारा भी आवास नहीं बना है। हाँ। और लैटरिन आधा बनवा कर प्रधान जी आधा छोड़ दिए हैं, आधा नहीं बना है। अच्छा। हमारे पास बस झोपड़ी रहने के लिए है, दस साल से करीब हमारा नहीं बन रहा है, दस साल से मैं झोपड़ी लगा कर रह रहा हूँ। सरकार तो करे कि सबको आवास दे दिए हैं, सभी लोग खुशहाल हैं। नहीं, हमारा आवास लोग बता रहे थे आया आया लेकिन कट गया। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, और तमाम लोग अभी भी शौचालय से, आवास से और राशन कार्ड से और सस्ते गल्ले की दुकान से, तमाम ये चीज़ें इनके साथ है। और यहाँ पे सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि हमें आवास नहीं मिला। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार और जिला प्रशासन इनकी मदद करती है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।